हेलो दोस्तों, और मैं जा रही हूँ आज नीचे घूमने कथा में। और चलिए आपको भी ले चलती हूँ। और अभी 10 बज रहा है, तो ये देखिए हम आ गए हैं। दादू के दोस्त हैं, मतलब बड़े हैं, बर्थडे है उनका, तो वहीं पे आए हैं कथा में। और ये लोग 1 घंटा पहले ही आ गए हैं, तो वही लड़ रहा है ये कि मम्मी इतने लेट क्यों आई हो। और ये देखिए माता राम को, ये जो पीली टी शर्ट पहने हैं वो भैया का ही बर्थडे है। काव्या और दादू बैठ गए क्या? काशी विश्वनाथाय नमः स्वाहा। बाबा वैद्यनाथ धाम शरीर सभ्यो। ये देखिए प्रसाद खा रहे हैं बच्चे, तो चलिए हम भी प्रसाद खा लेते हैं और चलते हैं घर। और यहाँ मैं 15-20 मिनट रुकी हूँ, ज़्यादा नहीं रुकी। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को घर पे। ये हमारे घर के जागरण ये सबसे ज़्यादा सोते हैं हमारे घर में, सबसे ज़्यादा सोते हैं दोनों बाप बेटी। इधर देखो, हाँ ए सोलू राम हमारे घर का। हुई कि नहीं नींद? नहीं हुआ इनको, अभी भी सोना है। चलो ठीक है, तो मैं बनाती हूँ चाय और इनके लिए भी दूध, है ना, पीना है। लाइट भी नहीं है, तो यहाँ हमने पाइप लगाए हैं पानी डालने के लिए पौधे में, क्योंकि पौधे सूख रहे थे। तो यहाँ फिर ना दादू आ गया, वो पकड़ने लगता है पाइप जब भी वो रहता है ना, तो फिर उसी से वो ही डालता है पानी। और इन लोग को मैं दूध और बिस्किट दे दी थी, और उसके पापा भी चाय पी लिए हैं। और बस आखिरी में मेरी चाय बनती है, क्योंकि मैं अदरक वाली और दूध वाली चाय पीती हूँ, इसीलिए तो बस लास्ट में मैं बना के लाई हूँ, और बस बैठ के पी रहे हैं। और हम ना वहाँ से 12:30 बजे आए हैं, और मैं तो गई ही थी 11:30 बजे लगभग, और दादू लोग 10 बजे से ही चले गए थे। तो उन लोग ना वेट कर रहे थे, मम्मी अभी आएगी, मम्मी अभी आएगी, पर मैं बहुत लेट गई, तो वो ना लड़ भी रहा था, दादू कितने लेट क्यों आए हो आप, सब आंटी लोग आ गई और मेरी मम्मी नहीं आई करके। तो हो गया, घर में काम रहता है, और वैसे भी लेट हो जाते हैं ना उठने में, तो फिर लेट ही काम होता है इसीलिए। तो और अगर मालूम रहता तो जल्दी जल्दी कर लेते। तो देखिए कितना अच्छे से पानी डालता है, मैं भी नहीं इसके जैसे कर पाती हूँ, मेरे से भी अच्छा काम करता है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ अरबी के पत्ते के बहुत ही टेस्टी पकौड़े। तो ये पकौड़े हमने अभी तक नहीं बनाए हैं, पर ना ये आज मैं ट्राई करके देखने वाली हूँ, और बहुत टेस्टी लगने वाली है मुझे पता है। तो पहले चाय पी लेते हैं और फिर चलेंगे किचन में, तब तक लाइट भी आ जाएगी। और अभी लगभग 5:30 बज गया है, तो 1.5 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि मुझे उसकी तैयारी भी करनी है, और फिर झाड़ू वाड़ू भी लगाना है घर में, और लाइट नहीं रही तो कोई भी काम नहीं हो पाता है ना, इसीलिए तो इसीलिए बालकनी में बैठ के आज चाय पी जा रही है। नहीं तो लाइट रही तो टीवी देखते देखते ही सारे काम होते, चाय पीना, खाना खाना, झाड़ू पोछा, सब के सब। तो चलिए फिर लाइट आ जाए, मैं चाय पी लूँ। लगता है ना आज काव्या की नींद नहीं हो पाई है, तो वो बस गोदी में ही टंग रही है अपने पापा के। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन कूट के रखा हुआ है। और ये है अरबी के पतले, मतलब घुइया के पत्ते। तो इसे हमने ना एकदम पतला पतला सा काट लिया, जितना पतला मुझसे घटाता है उतना, एकदम पतला भी नहीं है, मीडियम है। तो अब इसमें सारा प्याज, मिर्ची और लहसुन डाल देंगे, और आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें ना आम की खटाई डालने वाली हूँ, आमचूर पाउडर। तो ये थोड़ा सा जीरा है, और थोड़ा सा हल्दी है, 1/2 चम्मच मिर्च है, और नमक है, और ये देखिए ये है आमचूर पाउडर 1.5 चम्मच, और इसमें खट्टा थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है,
और नमक है। और आमचूर की जगह आप नींबू भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, पर नींबू और आम का ही अच्छा लगता है आमचूर का। और थोड़ी सी अजवाइन लेके इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम ना चावल का आटा, बेसन और थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स करेंगे। पर पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी पूरा मसाला जो है वो हमने डाला है ना, वो सारा मिक्स हो जाना चाहिए पत्तों में। और लगभग 2 से 3 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और क्या बोलते हैं, प्याज भी ना थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जो खुल खुल के एक एक हो जाते हैं अलग अलग। तो देखिए, एक कटोरी चावल का आटा है और एक कटोरी ही बेसन का आटा है, और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा है। थोड़ा सा है, हल्का सा मुलायम लगता है गेहूं का आटा डालने से। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा लेके, और ज़्यादा भी मैंने आटा ऐड नहीं किया है, नहीं तो फिर ना आटा आटा ही लगने लगता है, थोड़े से पत्ते ज़्यादा हैं। और देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेके, नहीं तो फिर ना ये गीला हो जाएगा तो फिर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मुलायम सा, जैसे पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ा बनाते ना उसी तरह से रहना चाहिए बस। तो इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा तो हेल्दी भी बहुत है और टेस्टी भी होगा। मतलब आज का नाश्ता हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। और ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम हो गई है, 6:30 बज गया है, तो ये लगभग आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा बनने में, तो ये डिनर का काम करेगा हम लोगों के लिए। तो देखिए मिक्स हो गया है, अब इसे रख देंगे। और तब तक मैं पानी रख दूँगी हीटर पे गरम करने के लिए, ताकि हम इसे बॉईल करने रखेंगे ना जिसमें, तो पानी बॉईल हो जाना चाहिए तब तक। तो देखिए इधर मैंने पानी रख दिया था और ये उबल गया है। अब इसमें हम एक छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर छोटा छोटा मुठिया जैसे बना के और उसको रख देंगे, जो ये बैटर तैयार किए हैं उसको। और थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाते जाएंगे जिससे कि ये चिपकेगा नहीं हाथ में। और आप भी बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कैसा लगता है। तो मैं तो वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, जब मैंने खा के देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अरबी के पत्ते की हम लोग बड़ी बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर ना आज मैं नहीं बना पाई, थोड़ा टाइम हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए आज, हर बार बड़ी 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 बस, तो इस बार थोड़ा नया ट्राई करने का देखें कैसा लगता है। तो अच्छा लगा हम लोग को, तो क्योंकि इसमें प्याज जो डाला होता है ना उससे क्रंची हो जाता है वो, और अगर डीप फ्राई करके खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस ये रख दी हूँ मैंने, इसको ढक दूँगी, स्कीप हो गया थोड़ा सा बीच में ढका हुआ, तो जो ढक्की थी मैंने यही पर आज जो जिसमें बैटर रखा हुआ है उसी को ढक दी थी। तो देखिए 15 से 20 मिनट में एकदम कुक हो गया है, और बस ये चाकू चला के देख लेंगे पका है कि नहीं, और बस ठंडा करके हम इसे ना फ्राई करेंगे। ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल पकेगी फिर ना, तब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको फ्राई कर दूंगी, तो फिर खा लेंगे सब लोग। और काव्या को डांट पड़ रही है, काव्या हटो हटो हटो, इसमें काव्या ने दीवार पर लिख दी ना, पापा ने बड़े मुश्किल से पेंट कर दिया, ऐसे लिखते हैं काव्या, लिखते हैं, सॉरी बोले पापा से, बोलेनाथ आ गया, पापा का फोन आ गया। बहुत गंदी लड़की है काव्या, बहुत गंदी है। गंदी लड़की, बिल्कुल 2 दिन भी नहीं हुआ है पेंट करने को और ये हो गया बराबर, बिल्कुल है ना। चलो पढ़ाई कर लो, चलो आज होमवर्क किया है, स्कूल का नहीं है, देखे पढ़ने बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और पापा तो तो पापा देंगे ना फोन, अरे वो स्कूल का नहीं हुआ है ना, तो स्कूल का ही होमवर्क तो बोल रही हूँ। हाँ, बस पढ़ना लिखना नहीं है इनको, बस दिन भर मस्ती 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 बस। चलिए मैं इसको होमवर्क करा देती हूँ ना, फिर हम उसको फ्राई करेंगे फिर खाएंगे ना, है कि नहीं इसको? उसको जो मैंने बनाई हूँ इसको इसको और खाया तो खाया तो अगर अगर दिखा क्या है वो, ऐसा बड़ी वाला है, कल भाभी के घर खाए थे वैसा वाला, वो बड़ी नहीं है प्याज, दूसरी ऐसी मुठिया वाली बड़ी खाएगा। ओ, इसको तो मिलेगी, चलो तो पहले दादा पढ़ेगा तब मिलेगा।
चलो दादा पढ़ेगा बता दो, ठीक है फिर मिलते। तो इसको ऐसे कट कर लेंगे और फिर इसमें ना थोड़ा सा सरसों का तेल, राई, जीरा और करी पत्ता। अगर इसमें आप प्याज नहीं डालते तो प्याज का फिर तड़का देते, वो भी अच्छा लगता, पर ये इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया इसलिए मैं प्याज नहीं डालूंगी। तो वैसे इस तरह से काट लेंगे, इससे पतला भी काट सकते हैं या फिर इससे बड़ा भी काट सकते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि कैसा काटना है, जैसा जिसको पसंद हो। और कुछ लोग ऐसा खड़ा खड़ा ही खाना पसंद करते हैं और ना कुछ एकदम चूरा हो जाता है तो एकदम क्रंची सा लगता है, वो खाते हैं। तो ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सरसों के तेल से टेस्टी लगता है कोई भी खाना। हम लोग यहीं आके सीखे हैं सरसों का तेल खाना, नहीं तो इसके पहले हम लोग अपने घर में कभी नहीं खाए सरसों का तेल। तो ये बस राई जीरा का तड़का दे दिया मैंने और करी पत्ता बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं है बहुत है, और बस इसमें हल्की सी हल्दी और हल्का सा नमक, इसीलिए कि ये करी पत्ता और तेल में थोड़ा सा स्वाद आ जाए इसीलिए हमने नमक और हल्दी डाले और कलर आ जाए बस। और इसको डाल के जो मुठिया है उसको डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट क्रंची होते तक। तो इसकी जो लास्ट वाली लेयर होती है ना बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी से, और अंदर से एकदम मुलायम मुलायम लगता है। इसको डीप फ्राई भी करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर हेल्थ के हिसाब से यही ठीक है। और वैसे तो इसके पापा को ना डीप फ्राई ही पसंद है, पर मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना है, और मुझे खाना है और डीप फ्राई भी खाती हूँ, और ना मैं पेट भर खाती हूँ कोई भी चीज़ को, इसलिए मैंने सोचा कि रात का टाइम है तो थोड़ा इसको ऐसे ही बना लेते हैं कम तेल में। तो देखिए कितना अच्छा क्रंची सा हो गया है, और बस इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ, तो मैं चिली सॉस के साथ खाऊँगी और बच्चों को टोमेटो सॉस के साथ दे दूँगी। तो चलिए फिर मैं इन लोग को दे देती हूँ क्योंकि इनके मुँह में पानी आ रहा है और इनसे रहा नहीं जा रहा है, ये क्या मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, मैं भी खाऊँगी अब। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ, और ये देखिए काव्या रानी को आगे पीछे नाच रही है बिल्कुल, बस कुछ खाने का मिल रहा है इन लोगों को। तो यहाँ दादू बता रहा है कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने उससे पूछा तो बता रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे ना आपके हाथ का ही अच्छा लगता है, किसी के हाथ का नहीं अच्छा लगता। तो मैं उससे बोली कि क्यों फिर खाते रहता है किसी के भी हाथ का इतना सारा मांग मांग के, तो वही मजाक हो रहा है हमारा। और इसने ना आधा होमवर्क किया आधा नहीं किया, अभी करेगा होमवर्क। तो चलिए आप भी आ जाइए खाने, और देखिए काव्या महारानी बैठ के आराम से खा रही है, और इसके पापा के लिए भी निकाल के रखी हूँ पर वो नहीं आए हैं अभी, खाएँगे वो भी। तो मैं चिली सॉस और टोमेटो सॉस दोनों के साथ खा रही हूँ, और ना अभी चटनी बनाने का मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई। और ये जो बड़ी पकोड़ा भजिया ये जितना भी आइटम है ना तो सॉस के साथ ही अच्छा लगता है, चटनी के साथ तो उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो चलिए हम खाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज हमारी काव्या को ना बहुत नींद लग रही है, आज हमारी काव्या को, अच्छा काव्या एक गाना सुनाएगी सब लोग को, सब लोग को अच्छा वाला, नहीं वो वाला नहीं, इतनी प्यारी मेरी गाय वाला, इतनी प्यारी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खाली नमाती मेरी गाय। सबको अच्छा लगा ना बुजुर्ग, सबको अच्छा लगा ना, सब 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 लाइक कर देना, बोला तो सब लाइक कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर ले कर देना, कमेंट कर देना। अच्छा अच्छा मम्मा ने बनाई थी बड़ी, वो कैसी लगी बताओ? मम्मा ने जो मम्मी ने बनाई थी वो कैसे लगी?
कैसी लगी आपने खाए तो? आपने खाए? सॉस के साथ खाए ना आपने, गुड़िया रानी ने खाई ना? हाँ। कैसी लगी? अच्छी। काव्या को अच्छी लगी और हमको भी बहुत अच्छी लगी, और आप भी बना के देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। बोलो आप भी बना के देखना और आपको भी अच्छी लगेगी। अच्छा बोल दो फिर, आप कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप में वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक बाय बाय तब तक बाय। चलिए हम आज यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अभी हम लोग उसी से पेट भर लिए, अभी खाना नहीं बना है, और अभी खाना नहीं बनाया और पेट भर गए और बना इसके पापा के लिए बनेगा ना, रोटी सब्जी बनेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैं आपके ब्लॉग को अच्छा लगे तो बाय, और वो ना हम लोग जय ब्लॉग के साथ वीडियो एंड करते हैं, तब तक बाय 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 बाय। और काव्या का कौन सा ड्रेस है आज पर? तीसरा या चौथा ड्रेस हो गया है काव्या का, ये वाला छुपे छे पानी गिरा गिरा के पूरा गंदा कर देती है माई काव्या, है ना। और ये बल्ब खेल रही है गधी, दादा सो गया है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय, वो हम लोग खाना खाए। उल्टा टी शर्ट पहने मैं बोलता हूँ। चलो सो जाओ आप भी, सो जाओ। काव्या सो रही है।